Hi, welcome to Ashoka English Study. You are watching this video on your favorite channel, Ashoka English Study. If you are not subscriber, please subscribe. And to get the latest notification, to press bell. तो चलिए दोस्तों, आज मैं नेक्स्ट थ्योरी पे बात करेंगे. हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग अधिगम पढ़ रहे हैं. अधिगम जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, जिसमें साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सी टेट और टेट के लिए इम्पोर्टेंट है. चाहे कोई भी टेट ले, चाहे यूपी टेट, चाहे एच टेट, कोई भी टेट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है. दोस्तों आज मैं बात करने जा रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत. अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, जो इन्होंने सिद्धांत जो दिए थे उसके बारे में, वो किस प्रकार से प्रयोग किए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों आप जीन प्याजे का थ्योरी नहीं पढ़े हैं, थर्नडाइक का थ्योरी नहीं पढ़े हैं, या आप जो है कोहलबर्ग का थ्योरी नहीं पढ़े, सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा. अगर दोस्तों न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल घंटी, ताकि लेटेस्ट वीडियो आता रहेगा, आपके पास पहुंचता रहेगा. दोस्तों पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि आपका, और कमेंट भी कीजिएगा इनबॉक्स में, या ऑफलाइन रहे या ये रहे. तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहे हैं कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो फाइनल रिजल्ट आया, उस रिजल्ट आया तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का नाम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए. दूसरा इसका नाम रखें प्रेरणात्मक अधिगम का सिद्धांत. बोलिएगा नहीं, अगर पूछा जाएगा प्रेरणात्मक सिद्धांत, प्रेरणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, या प्रवर्तक कौन है, तो कौन रहेगा, अल्बर्ट बंडूरा. बंडूरा लिखा हुआ रहेगा तो बंडूरा में टिक मारिएगा. तो चलिए दोस्तों हम लोग अधिगम का सिद्धांत पढ़ रहे हैं. अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग जो किए थे वो छोटे छोटे बालकों पे किए थे, छोटे छोटे बच्चों पे किए थे, और उस बच्चों पर करने के बाद वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए. ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बबो डॉल पर किए थे. बबो डॉल जो होता है, बबो डॉल, डॉल मतलब गुड़िया, बबो डॉल पर भी देखे. बहुत प्रकार के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने देखा गया. तो ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे, वो एक्सपेरिमेंट जो था, एक घर था, उस घर के कमरे में एक टीवी लगा दिया गया. उस कमरे में बच्चे को शुरू समझिएगा कि कमरा है, उस घर के कमरे है, कमरे में टीवी है, और बच्चे को उस कमरे में बंद कर दिया गया, और उस टीवी में मूवी लगा दी गई है. उस मूवी में जो रिलेटेड है क्वायरल सम से, मतलब झगड़ालुओं से संबंधित है, मतलब लड़ाई अधिक है उस फिल्म में या उस मूवी में. बच्चे बहुत गौर से देख रहे हैं, बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चे जो है यहाँ पे गौर से देख रहे हैं. इस बच्चे जो गौर से देख रहे हैं और देख कर सीखते क्या है, वो रिजल्ट अभी मैं बताएंगे. सीखते हैं कि बच्चे वहां जिस तरह का से वहां लड़ाई कर रहा है, जिस तरह से वहां लड़ाई करता है, उसी प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं, उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, अनुकरण करते हैं. बच्चे वहां से मूवी देखकर निकलते हैं, निकलने के बाद फिर बिना बिना दोष, बिना गुनाह का बच्चे खुद अपने में लड़ाई करने लगते हैं. इससे साबित हुआ बंडूरा का कि बच्चे जो है अनुकरण करते हैं. अगर अच्छाई चीजों को अगर सीखते हैं तो अच्छाई चीजों को देखते हैं तो अच्छाई चीज सीखते हैं, बुराई चीज अगर देखेंगे तो बुराई चीज सीखेंगे. इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. वो एक्सपेरिमेंट स्टेप देखिए, इस सिद्धांत में सीखने के लिए कितने सोपन है, कितने स्टेप है, तो इन्होंने 5 स्टेप दिए थे. वो कौन कौन स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा. मॉडल का प्रदर्शन करवाएं. पहला स्टेप क्या था, मॉडल का प्रदर्शन करवाएं. मॉडल का जैसे प्रदर्शन करते हैं विद्यार्थी या बच्चे स्कूल में कहीं भी, किसी भी समाज में, अगर स्कूल की बात करें, कोई स्कूल में एक टीचर होते, मॉडल यहाँ प्रतिमान होता है, ठीक है, प्रतिमान.
मॉडल जो है, मॉडल का प्रदर्शन करवाना मतलब टीचर का प्रदर्शन करवाना, उस टीचर जो प्रदर्शन हुआ उस बच्चे पे प्रदर्शन, क्लास में शिक्षक आए बच्चे देखें, देखने के बाद मॉडल का मूल्यांकन किए, बच्चे देखने के बाद उसको मूल्यांकन, शिक्षक का मूल्यांकन किए, क्या मूल्यांकन किए, देखें कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रंग ढंग कैसा है, वह बैठने का कैसा है, सभी प्रकार के उसको पढ़ाने का कैसा है, मतलब वो जज किए, बच्चे सब जज करते हैं, बच्चे सब देखें कि अगर समझ में आया तो मूल्यांकन अच्छे हुए, समझ में नहीं आया तो मूल्यांकन, जस्ट लाइक अस डेमो क्लास, वी कैन से जस्ट लाइक अ डेमो क्लास। आप भी डेमो करने जाते हैं, डेमो करने जाते हैं तो आपको लगता है समझ में आया तो बोलते हैं अच्छे शिक्षक है, बहुत अच्छा, ज्वाइन कर लेते हैं। इसी प्रकार से मॉडल का मूल्यांकन बच्चे ने किया, और बच्चे किया तो समझ में आया तो मूल्यांकन अच्छी हुई, समझ में नहीं आया तो मूल्यांकन अच्छी नहीं हुई, कहने का मतलब है कि वो बोलते हैं अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका मॉडल का अनुकरण। अगर उस अनुकरण जो है, सबसे पहले मैं इसको बात कर लेते, मॉडल का अनुकरण मतलब, मॉडल का मतलब है यहाँ पे प्रतिमान, मतलब यहाँ टीचर है, अगर हम मान लिया जाए यहाँ शिक्षक है, क्या है मॉडल का मतलब, यहाँ समझ लीजिए शिक्षक है, क्या है टीचर है, टीचर का अनुकरण करने लगता है, देखा कि वो शिक्षक जो है, वो शिक्षक किस प्रकार के बिहेवियर करता है, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, जो यहाँ क्लास में घुसने का, क्लास में पढ़ाने का, क्लास में लिखवाने का, वो सारी ऑब्जर्व किए, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अनुकरण किए, अच्छा लगा तो अनुकरण करना चालू हो गया, उस टीचर का अनुकरण करना चालू हो गया कि हाँ इसको सीखेंगे, बोलेंगे क तो भी क बोलेंगे, इस प्रकार से। अब अनुकरण का जो मूल्यांकन करते हैं बच्चे, अनुकरण का मूल्यांकन कैसे होता है, वो समय जो अनुकरण किए, जो हम सीखे, जो अनुकरण किए उसको मूल्यांकन कैसे होगा, तो मूल्यांकन से, जैसे एग्जाम में हम बैठ गए, हम जिस मॉडल को अनुकरण किए, जिस मॉडल से हम सीखे, उस मॉडल का यूज हम एग्जाम में बैठे, एग्जाम में जो सीखे, जो भी सिखाया गया, चाहे अब तत्व तो कोई भी तत्व तो बताएगा, कोई भी कार्य बताएगा, अगर एग्जाम में स्कूल में है, एग्जाम में आपको, एग्जाम में आप बैठे, अगर वहाँ अच्छी तरह से आप मूल्यांकन हो गए, कहने का मतलब वह एग्जाम में अच्छी तरह से लिख गए, और लिखने के बाद मूल्यांकन हुआ तो आपका रिजल्ट जो आया, रिजल्ट आया अच्छा, तो आपका मूल्यांकन जो अनुकरण का जो मूल्यांकन बेस्ट रहा, इसी प्रकार बेस्ट रहा, आप वो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण बलन होगा, पूर्ण बलन के प्राप्ति होगा, आपको पुरस्कार मिलेगा, जो रिजल्ट आया वो पुरस्कार मिला, अगर फर्स्ट डिविजन किए तो आपका पुरस्कृत किया गया, मतलब पुरस्कार मिला, कैसा कि पूर्ण बलन के प्रति मिला, कि हाँ ऐसे करने से हमको ऐसा रिजल्ट आता है, इसलिए हमको ऐसा ही करना चाहिए, ताकि आपको पुरस्कृत मिले, ताकि आपको और करने का, अनुकरण करने का, या आपको सीखने का क्षमता जो है, मतलब आप उत्सुक हो जाते हैं, इस तरीके से इसका ये हम लोग समझते हैं। मॉडल का मतलब ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, मॉडल यहाँ टीचर है, टीचर जो है क्लास है, क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मॉडल का प्रदर्शन कराया गया, एक शिक्षक जो है क्लास में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद शिक्षक वहाँ बच्चे जो बैठे होते हैं उस मॉडल का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे मूल्यांकन कर रहे हैं किसको, टीचर का, शिक्षक को, उसका बिहेवियर क्या है, उसका जो व्यवहार क्या, पढ़ाने का तरीका क्या, ये सारे कुछ करते हैं, उसके बाद करने के बाद वो मूल्यांकन कर लिए, समझ गए कि हाँ अच्छा है, ये चीज सीखना चाहिए थे, तभी बच्चे वो चीज को अनुकरण करने लगते, उस मॉडल मतलब उस टीचर का अनुकरण करने लगते, अनुकरण का मतलब जैसे जैसे पढ़ाए गए उस चीज का उन्होंने सीखने लगे, और उस चीज का जिज्ञासा हुआ कि हाँ ये सीखना है, उसके बाद सीखने के बाद उस अनुकरण को मूल्यांकन जो है एग्जाम में आपको होगा, वो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में जो आपका खुद जो अनुकरण जो किए, उस अनुकरण का मूल्यांकन खुद कहाँ होता है, एग्जाम में, परीक्षा में, आप लिखेंगे अच्छे लिखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, खराब लिखेंगे सवाल तो उसका मूल्यांकन कैसा हुआ, अच्छा बेकार, दोनों मूल्यांकन का मतलब मतलब अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन होता है, और उस मूल्यांकन से अच्छा हुआ प्रभावित आपको पूर्ण बलन की प्राप्ति हुई, मतलब आपको उस प्रकार के करने का क्षमता हुआ। चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, फिर इसका जो है क्रिया देखेंगे, वो जो क्रियाएं क्या किया किए तो उसको देखेंगे, तो यहाँ अब देखेंगे कि अधिगम के प्रक्रिया में कितने उप क्रियाएं होते हैं, उप क्रियाएं जो होते हैं वो कितने हैं, जो इन्होंने
बंडूरा ने, जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो उपक्रियाएं की हैं वो बताएं कि कैसे होते हैं। तो दोस्तों उपक्रियाएं जो चार हैं कितने हैं, उपक्रियाएं कितने होते हैं तो चार होते हैं। वो कौन कौन से उपक्रियाएं हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले बात करें कि अवधान प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, जो प्रोसेस है अवधान प्रक्रिया। सेकेंड आपका है धारण प्रक्रिया, धारण प्रक्रिया। और तीसरा आपका है पुनः उत्पादन प्रक्रिया, या हम इसको अभ्यास बोलेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं, इसको क्या और बोल सकते हैं, इसको जो हम बोल सकते हैं गामक, गामक जो है गामक पुनरुक्ति कौशल, गामक पुनरुक्ति कौशल, रुक्ति कौशल, गामक पुनरुक्ति कौशल भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? गामक, गामक पुनरुक्ति कौशल, इसको हम बोलेंगे कौशल, गामक पुनरुक्ति कौशल भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुनः उत्पादन प्रक्रिया मतलब रिप्रोडक्शन, और पूर्ण बलन के प्राप्ति इसका मतलब पुरस्कार। क्या हो गया? पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, जिसमें हम अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं। अभिप्रेरणा क्या बोलेंगे? अभिप्रेरणा मतलब रिफोर्समेंट या मोटी, जो अभिप्रेरणा जो है मोटिवेट मिलता है इससे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझेंगे कि अधिगम अवधारणा ही प्रक्रिया इन्होंने बताया कि एक बच्चे जो जब भी क्लास अटेंड करते हैं या क्लास टीचर जाते हैं, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं? अटेंशन रहने बोलते हैं। बोलते हैं कि अटेंशन मतलब सावधान रहिए, कॉन्सेंट्रेट माइंड को कीजिए। कंसंट्रेट बच्चे कर लेते हैं तो अवधान प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम अवधान प्रक्रिया करते हैं। बोले अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उपक्रियाएं कितने होते हैं, जैसे बंडूरा के अधिगम के प्रक्रिया में कितने उपक्रियाएं हैं, तो आप बोलेंगे चार। कौन कौन से रहते हैं? तो अवधान प्रक्रिया, धारण प्रक्रिया, पुनः उत्पादन प्रक्रिया या अभ्यास बोलेंगे, या गामक पुनरुक्ति प्रक्रिया बोलेंगे, या कौशल बोलेंगे, पूर्ण बलन की प्राप्ति, या हम पूर्ण बलन बोलेंगे, या हम अभिप्रेरणा बोलेंगे, मोटिवेट बोलेंगे। तीन ये चार है, ठीक है। तो धारण मतलब अवधान करना, बच्चे जो दिमाग को कंसंट्रेट करना, दैट इज कॉल्ड अटेंशन, या हम अवधान बोलेंगे। उस अवधान के माध्यम से बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो क्या करते हैं? धारण कर लेते हैं उस प्रक्रिया को, मतलब उसमें जो सीख लेते हैं, उसको कॉन्सेप्ट को जानते हैं, सीखते हैं उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे धारण प्रक्रिया। उसके बाद सीखने के बाद जो है, मतलब सीखने के बाद जो है हम, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा जो आपको उस ध्यान देकर उसको सीखना, उसके धारण कर लेना, उसको सीख जाना, उसके बाद वो फिर उसको अभ्यास करते हैं, उसको यूज करते हैं, या हम बोलेंगे उत्पाद होता है, प्रक्रिया होता है, जिसको हम गामक प्रक्रिया, जो हमको गामक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कौशल जो उक्ति होता है, जिसको हम रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो है उसको सीखने के बाद वो अभ्यास के, उसके बाद वो एग्जाम में बैठता है, उस एग्जाम में अगर उसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है, जिसमें पूर्ण बलन मिलता है, जिसमें पूर्ण बलन मिलेगा दो प्रकार के, एक दंडित मिलेगा और एक जो है पुरस्कृत करेगा। दंडित में उस बच्चा नहीं करेगा, गलत चीज नहीं करेगा, और अच्छाई जो उसका मतलब पूर्ण बलन तभी मिलेगा जब उसको अच्छाई रहेगा। उसको मान ले अच्छा काम किया, उसको एक चॉकलेट दे दिए, फिर वो बच्चा वही काम को फिर करेगा, फिर एक बच्चा वही आगे बढ़ेगा, फिर बोलेगा इसको करो, फिर वो करेगा, फिर इस तरीके से पूर्ण बलन होता। और उस पूर्ण बलन को इन बच्चे जो है बार बार अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया, अनुक्रिया करते हैं, बार बार अनुकरण करते हैं, या सॉरी इसको हम बोलेंगे अनुकरण करना। क्या करते हैं? अनुकरण, उस क्रिया को बार बार करते हैं, और उस अनुकरण से बच्चे का अधिगम होता है, उस अधिगम को हम बोलते हैं अनुक्रिया। समझ में आ गया? अल्बर्ट बंडूरा ने इस प्रकार से इन्होंने जो प्रतिक्रिया जो किए, उसके बाद प्रभाव देखेंगे, ठीक है। उस प्रभाव, दो तीन प्रकार के ये प्रभाव होता है। एक होता है
एक होता है जो हम लोग पर जो प्रभाव है बिहेवियर में जो प्रभाव पड़ता है उसको, एक होता है अवरोधक प्रभाव और एक होता है अरोधक प्रभाव जिसको बोलते हैं रोध करना, अरोधक और एक रोध। जिस क्रिया को काम करने में रोधक प्राप्त होता है अरोध रोधक होता है तो रोधक बोलेंगे, और जिस क्रिया में अरोधक प्राप्त जिसमें रोधक नहीं होता उसको अवरोध। इस प्रकार से यह अनुक्रिया अनु होता है, तो इस बंडूरा ने इस प्रकार से बताए। दोस्तों नेक्स्ट फिर वीडियो नेक्स्ट आपका जो थ्योरी रहेगा फिर लेके आएंगे। आप न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कर दीजिएगा बेल घंटी, नोटिफिकेशन आपका पहुंचता रहेगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।